अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है डेटा को सेंड कर सकते हैं, फॉर्म डेटा से डेटा सेंड कर सकते हैं MySQL डेटाबेस को। ओके जनाब, तो मेरा मकसद यही है कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये दो वीडियो पर मुश्तमिल होगी। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में ये कवर नहीं होता, इसलिए दूसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो इस ये दो स्टेप्स की होगी। ओके जनाब, और मकसद हमारा ये है कि हम किस तरह एक डेटा को जो है एक पाम डेटा को जो हम किस तरह सेंड करेंगे MySQL डेटाबेस को, वो भी PHP पाम से। ओके जनाब, तो स्टार्ट करते हैं जनाब। तो इसको छोड़ दिए, ये पहले से है, इसको मैंने कमेंट्स दिए है तो ओके ओके, तो ये काम नहीं करेगा। अब इसको मैं Ctrl+S से रिफ्रेश कर देता हूँ और आता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखे जनाब, तो ये एंटर योर नेम, एंटर योर फादर नेम। ओके जनाब, ये मैंने दो दो जो है ये नेम और फादर नेम के लिए बनाए। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कर देता हूँ। ओके जनाब, इससे मैं इधर इस तरह ये करता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ओके जनाब, और ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं। ओके, ये पहले से बना है इसलिए मैं इसको जो है ना ओके, एक और क्या बनाना है, ये नेम भी हो गया, फादर नेम भी हो गया। ओके जनाब, और जी जनाब, फादर नेम भी हो गया, नेम भी हो गया। अब करना क्या देखता हूँ जी जनाब, एक आईडी है, आईडी तो ऑटोमेटिकली के नेम हो गया, एप नेम हो गया, एड्रेस और डेट एंटर करना है, एड्रेस और डेट एंटर करना है। तो इसके बाद में इस तरह करता हूँ कि इससे एक कॉपी लेता हूँ, किस चीज़ से, एक से। ओके जनाब, Ctrl+ सी की मदद से मैंने इससे कॉपी ले लिया, अब मैं इसे इंटर किया। ओके जनाब, एक और कॉपी लेता हूँ, अभी आपको समझ आएगा जी जनाब। तो इसके बाद मेरे पास क्या आता है जी जनाब, इसके बाद जो है ना मेरे पास आता है एड्रेस, आता है क्या जी जनाब, एड्रेस आता है, ये एड्रेस के लिए हो गया। अब एड्रेस के लिए मैं क्या देता हूँ, नेम के अंदर मैंने क्या लिखना है जी जनाब, एड्रेस देना, सिंपली जो है AD लिखना है या ओके एड्रेस ही दे देता हूँ ताकि आपको मसला फिर ना हो। ओके जनाब, इसको मैंने क्या करना है जी जनाब, ये है किस चीज़ के लिए, डेट के लिए। ओके जनाब, और इसको भी मैंने क्या करना है जी जनाब, ये करना क्या है, डेट ही कर दिया। ओके, Ctrl+S से मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो क्या होता है जनाब, ये नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया और डेट हो गया, समझ आई बात। इस तरह करता हूँ कि ये डेट जो है ये क्या है, मैंने पहले से इसको देखता हूँ जी जनाब। तो इसको मैंने कौन सी नाम दी है, डेट दी है। अब इसको जो है ना ये लाजमी नहीं है कि आप जो है इसको डेट ही दे दे, आप इसको जो है क्या कर सकते हैं जनाब, आप इसको जी जनाब आप इसको वर्चार भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ जी जनाब, वर्चार ही कर देता हूँ। अगर लेंथ देना चाहते हैं तो आप लेंथ फॉर एग्जांपल ले दे 40 ले दे, 50 दे दें, क्या जी जनाब, मैंने इसको 50 दे दिया। ओके जनाब, और सेव कर देता हूँ, आप वर्चार भी दे सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया, अब ये भी हो गया। तो ये क्या था जी, नेम था, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया और अब क्या है जी जनाब, डेट भी हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक टेबल बनाया, ओके सॉरी एक फॉर्म बनाया, ये क्या है जी जनाब, एक फॉर्म बनाया। और इस फॉर्म के ज़रिए अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेंड करेंगे MySQL डेटाबेस को। ओके जनाब, तो ये था पाम, अगली वीडियो ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन आप जो है क्या करें जनाब, इसको बगौर तरीके से अच्छी तरीके से क्या करें, सही तरीके से इसको पढ़ लिए ताकि आपको समझ आए आ जाए। अगर आपको नहीं, ओके मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं ताकि आप जो है ना इसको समझ सके बेहतर तरीके से। ओके जनाब, अच्छा Ctrl+S ऐसे सेव कर देता हूँ। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल पर। ओके जनाब, बाय।